हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन एजेंसी शिमला में कल कोविड 19 की जांच के लिए 90 लोगों के सैंपल लिए गए थे। शिमला जिले से 50 और बिलासपुर जिले से 40 सैंपल लिए गए थे। इनमें से शिमला में 6 और बिलासपुर से 21 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी था। इन्हीं सैंपल्स में मंडी सरकाघाट के युवक की माँ और ताया के सैंपल भी थे। जांच रिपोर्ट में युवक की माँ कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जबकि ताया की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके साथ ही मृतक युवक के साथ वार्ड में रखे गए 6 मरीजों की जांच भी नेगेटिव आई है। आईजीएमसी अस्पताल प्रशासन के 15 सदस्यों की शुरुआती जांच भी नेगेटिव आई है। गौर हो कि इन सभी को क्वारंटीन किया गया था। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनकराज ने आम जनता से अफवाहों से दूर रहने का आग्रह किया है। उन्होंने पिछले कल सोशल मीडिया में लोअर बाजार में कोरोना पॉजिटिव केस के होने की अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि ये एपिडेमिक एक्ट के तहत अपराध है और लोग ऐसी अफवाहों से दूर रहे। सोशल मीडिया में फैली इस अफवाह के चलते ओपीडी के बंद होने के भी कयास लगाए जा रहे थे। डॉक्टर जनकराज ने इस बात का भी खंडन किया है। उन्होंने कहा कि ओपीडी पूरी तरह से सुरक्षित है और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा। जो एक दिन पहले जो यहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव संक्रमित जो व्यक्ति था उनकी जो मृत्यु हुई थी, उनके कॉन्टैक्ट्स में जो मेन दो लोग थे उनकी माताजी और उनके ताऊ जी, जो रिपोर्टिंग हमारे पास यहाँ पे कोरोना की हुई है उसमें उनकी माताजी के अंदर पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि हुई है। बाकी जो अन्य जितने भी सैंपल थे वो सभी नेगेटिव। जी सर कह रहे हैं कि उनके जो पिता है वो ये गलत कह रहे हैं। उनके पिताजी जो है वो इस वक्त दिल्ली में, हमारी उनसे बात हुई थी जब उनके दाह संस्कार के संबंधित जब बात होनी थी, तो हमारी उन्हीं से बात हुई थी कि ऐसा कह देना कि वो यहाँ पर है ये झूठ है। उनके पिताजी जो है दिल्ली में है। जी उनके कितने मरीज सर उनके साथ? वो 6 पेशेंट्स थे, सबकी रिपोर्ट नेगेटिव। जी क्या जो थे वो जिला मंडी और वहाँ से उनके सैंपल लिए गए होंगे और उनकी जाँच की है। वो उनकी रिपोर्टिंग का स्टेटस जो है वो वहाँ की संबंधित अधिकारी वही बता सकते हैं। उन्होंने कोई हॉस्पिटल के अलग कैंपस में उनका जाना हुआ है, हॉस्पिटल के अलग बिल्डिंग में उनका वहाँ पे जाना हुआ है, एक अलग रास्ते से हुआ है। उनका किसी भी हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी या अन्य स्वास्थ्य या सेवा जो भी दे रहे हैं उनसे उनका जो कॉन्टैक्ट जो रिस्की कॉन्टैक्ट है इस तरह का कुछ नहीं हुआ। जो भी हमारी टीम के लोगों ने जो इनको वहाँ पे अटेंड किया है उन्होंने प्रॉपर पीपीई किट पहन के उनको देखा गया है, इसलिए किसी भी तरह का कोई सुरक्षा में चूक किसी की भी हमारे यहाँ पे नहीं हुई है। और बाकी रही बाकी ओपीडी चलने की बात, तो आईजीएमसी पहले से जो प्रदेश में आकस्मिक सेवाओं को उसमें शुरू से ही जारी रखा और जैसे सबको विदित है कि इस बहुत सारी बीमारियां हैं कोरोना वायरस को अलग लेकर भी, उन बीमारियों से भी लोग तकलीफों में हैं। हमने एक सीमित संख्या में यहाँ पे पब्लिक की समस्याओं को देखते हुए सीमित संख्या में जो ओपीडी चलाई है वो अभी जारी रहेगी, उस पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। फिर भी बार बार हम लोगों से एक आह्वान करते हैं, कृपया करके आप इसको हल्के में ना लें। ये अभी कोरोना का जो दौर है, मैं अपने व्यवहार में मूलभूत परिवर्तन लाने ही होंगे, अन्यथा हम लोगों का जीवन मुश्किल हो जाएगा। अब हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। हम अधिक संख्या में मात्र हॉस्पिटल की बात नहीं है, अन्य स्थानों पर भी हम भीड़ भाड़ से बचें, एक दूसरे से दूरी बनाएं, क्योंकि जब तक इसका कोई पुख्ता सटीक वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक हमें इस तरह के एहतियातन कदम जो है वो। कल लगभग 90 के करीब सैंपल थे, कुछ बिलासपुर से थे, बिलासपुर जिले से थे और कुछ शिमला जिले से थे। सभी सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है और मात्र एक सैंपल जो प्रीवियस पेशेंट की जो मदर थी उनके अंदर वायरस पाए जाने की पुष्टि हुई। देखिए ऐसा पहले हम बताना चाहेंगे सबसे पहले कि कोरोना पॉजिटिव अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसका नोटिफिकेशन करना ये हमारी ड्यूटी बाउंड है, ये हम इसके लिए बाध्य हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अगर मरीज पॉजिटिव आएगा तो हम छुपा लेंगे या किसी को बताएंगे, तो कृपया करके ऐसा नहीं है। बेकार की जो इस तरह की अफवाहें हैं उसको लोग ना फैलाएं और इस वक्त
ऐसे कई जगह ऐसी रिपोर्टिंग होती है, ऐसा पता लगता है कि सोशल मीडिया पे कि वहाँ पे संक्रमित व्यक्ति हो गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, तो कृपया करके इस तरह के काम ना करें। सबको विदित होगा ये एक एपिडेमिक पैंडेमिक ग्लोबल पैंडेमिक है और इसमें एक भारत सरकार ने एपिडेमिक एक्ट को भी लागू किया है। इसमें इस तरह की अफवाह फैलाना, इस तरह की गलत सूचना डालना जो है वो दंडनीय अपराध है, तो कृपया करके ऐसी हरकतों से बचें, एक जिम्मेवार नागरिक की तरह व्यवहार करें ताकि हम सब लोग एक दूसरे में सहयोग की भावना पैदा करें, ना कि